सुप्रभात बच्चों, कक्षा 6। आज मैं आपको आपकी हिंदी कनिका की पाठ्य पुस्तक में पाठ 6, जिसका नाम है जूलिया, पढ़ाने जा रही हूँ। आप सभी अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 28 पर देखें, यहाँ आपको पाठ 6 जूलिया दिया हुआ है। अब मैं इस चैप्टर को पढ़ना आरंभ करती हूँ। जूलिया, दबे स्वर में यानी कि बहुत धीरे से, आपने मुझे बुलाया था मालिक, गृह स्वामी। हाँ हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। गृह स्वामी जो घर का मालिक होता है, जो घर का स्वामी होता है। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया गृह स्वामी। हाँ तो जूलिया, मैं तुम्हारे वेतन का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें अब तक जान पाया हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे कभी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ तो तुम्हारा वेतन 30 रूबल प्रति माह तय हुआ था ना? जूलिया विनीत स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। गृह स्वामी, नहीं भाई 30। यह देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए, मैंने नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल महीना ही देता था। अच्छा तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं 2 महीने 5 दिन। गृह स्वामी, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं? भाई मैंने डायरी में नोट कर रखा है। हाँ तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब तुमने महीने में एक भी छुट्टी ना ली हो। तुमने रविवार को छुट्टी मनाई है? तुमने रविवार को छुट्टी मनाई है? उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोलिया को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं, ठीक है ना? जूलिया दबे स्वर में, जी आप कह रहे हो तो ठीक है, रुक जाती हूँ। गृह स्वामी, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ तो 9 रविवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने केवल वान्या को ही पढ़ाया। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 और 7 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं? 41 रूबल, ठीक है। आज के लिए हम इस पाठ को इतना ही पढ़ेंगे। अब आप इस पाठ की स्वयं रीडिंग करें। धन्यवाद।